सोलन पुलिस नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाए हुए है और नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने का हर संभव प्रयास कर रही है। आज भी कंडाघाट पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नशे की बड़ी खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने ममलिंग में एक ट्रक को शक के आधार पर रोका तो पाया कि उसमें भारी मात्रा में शराब की पेटियां हैं, जिससे पुलिस ने कागज मांगे तो वह दिखा नहीं पाए, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि ममलिंग में शक के आधार पर एक ट्रक को जाँच के लिए रोका गया तो पाया कि उसमें करीबन 400 पेटियां अवैध शराब की थी, जिसका ट्रक चालक के पास कोई परमिट नहीं था, जिसके चलते अबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। नशे के खिलाफ सोलन पुलिस की जीरो टॉलरेंस है और इसमें देखने वाली बात यह है कि हमें जनरल पब्लिक का काफी सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। जब एक आफ्टरनून के समय एक इन्फॉर्मेशन आई सीक्रेट सोर्सेज से, तो तुरंत सबातु चौकी और शहरी चौकी को एक्टिवेट किया गया और एक ट्रक एलपी ट्रक है हिमाचल बेयरिंग नंबर, जिनको जब चेकिंग की गई तो उसमें तकरीबन 400 बॉक्सेस पेटियां शराब बरामद हुई है, जो कंट्री वाइन और इंग्लिश वाइन मिक्स है। फिलहाल उसकी काउंटिंग चल रही है और एसएचओ कंडाघाट इसको मॉनिटर कर रहे हैं और एक्साइज एक्ट में केस दिया जा रहा है।